टाइटनिंग ब्राइटनिंग और करेंगे हम अपनी फेस की बहुत ही ज़बरदस्त जो हमारी एक ब्राइटनेस है वाइटनिंग जो हमारी एक फेस ग्लो लेकर आती है, तो उसके लिए हम अपनी ब्राइटनिंग टाइटनिंग और वाइटनिंग करेंगे हम इस्तेमाल बहुत ही ज़बरदस्त सा मास्क बनाकर। तो ये अभी बन रहा है फेस पैक, चाहे तो आप हैंड्स पे लगाएं, फूट्स पे लगाएं या अपने बहुत ही खूबसूरत दिलकश चेहरे को बनाना चाहें तो इसे फेस मास्क के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व तआला अला बरकतुल्लाह। मरहबा, डायमंड डॉल शेफ गज़ाला के चैनल से आज बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडी आप तमाम प्यारे प्यारे से व्यूवर्स, मेरे फ्रेंड्स और वाईटी यूट्यूब फैमिली आप लोगों के लिए। तो यहाँ पर मैंने एक टेबलस्पून ले लिया था बेसन, उसमें ऐड किया है मैंने हाफ टी स्पून गर्ड यानी कि दही, और ये हमारी हाफ टी स्पून के हिसाब से हमारी गई है टर्मिक यानी हल्दी, और हम इसको मिक्स करेंगे अरके गुलाब के वन या टू टेबल स्पून के साथ, जितना हमें इसका जो है एक अच्छा लिक्विड हमारा बन जाए। ये देखें जी, अब हमने कर लिया है इसे मिक्स, और मिक्स करने के बाद हम इसे थोड़ा सा स्टे करते हैं 1-2 मिनट्स। इसमें ऐड कर दूंगी मैं 2 टेबल स्पून अपना जो है मिल्क यानी कि बहुत ज़्यादा क्रीमी मिल्क जो होता है हमें वो इसमें फ्रेश ऐड करना है। हमारी स्किन बनेगी बहुत ही ग्लोइंग और हो जाएगी टाइट और हो जाएगी ब्राइट और हो जाएगी वाइट, यानी टाइटनिंग ब्राइटनिंग और वाइटनिंग के साथ। तो यहाँ पर मैंने शामिल कर दिया है 2 टेबल स्पून हमारा बहुत ही फुलफुली क्रीमी मिल्क, और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद मैंने जो है ये सिर्फ दिखाना था, इसलिए अब मैंने जो है इसको बना के रखा हुआ है और इसकी एक आइस क्यूब बना ली है, और उस आइस क्यूब के ज़रिए ही हम इस रेमेडी को यूज़ करेंगे और दिखाएंगे, बताएंगे, समझाएंगे कि ये रेमेडी हमारी कैसे यूज़ में आ सकती है। मुझे थोड़ा सा मिल्क और चाहिए था, मैंने कहा कि थोड़ा मैं और लिक्विड बना लूँ, तो ये मैंने थोड़ा सा ये इतना इसका जो है हमें टेक्सचर चाहिए, और इतनी जो हमारी ये मकदार है ये सफिशेंट रहेगा हमारा 1 वीक यूज़ करने के लिए। तो इस पैक को मैंने एक छोटी सी डिबिया में डालकर फ्रीज़ कर लिया, यानी आइस क्यूब के तौर पर बना के रख लिया। ये मैंने आपको दिखाया कि ये हमारा जो है आइस क्यूब इस तरह रेडी हो गया है, और अब हम इसको किस तरह यूज़ करेंगे तो वो भी देख लें कि आपने कहाँ इसे यूज़ करना है, हैंड्स पे, अपने फेस पे या अपने पैरों पे। तो दिलकश बनाएगा आपको ये, बहुत ही खूबसूरत आपके फेस को बनाएगा, बहुत ही ज़बरदस्त माशाल्लाह। तो ये देखें जी, ये मैं इसकी कर रही हूँ इस तरह से यूजिंग दिखा रही हूँ कि किस तरह हम इसे अप्लाई करेंगे, और इसे माशाल्लाह एक मसाज का जो एक हमारा सर्कल होता है उसी तरह हमने अपने इस आइस क्यूब को लेकर इस तरह मसाज करना है, बहुत ही आहिस्ते आहिस्ते स्लो मोशन में। ये देखें, और आपको विद इन 1 मिनट में आपको पता चल जाएगा इसका क्या रिज़ल्ट है माशाल्लाह, और फटाफट से जो है हम इसे मसाज करने के बाद आपको इसका रिज़ल्ट दिखाते हैं। क्योंकि मैं इसे रख नहीं पाऊँगी ज़्यादा टाइम, वैसे इसे 15 से हाफ आवर्स रखें तो बेस्ट रिज़ल्ट मिलेगा। मैं फटाफट भी करके दिखाऊँ तो देखें आप कितना ग्लोइंग जो है फेस हो जाएगा, बहुत ही ज़बरदस्त। ये देखें, ये पैक मैंने दिखा दिया आपको, कितना ज़बरदस्त ये पैक लग रहा है। ये देखें, अब इसको मैं रिमूव करके दिखाती हूँ। मैं इसको मैं रिमूव कर रही हूँ स्पून के साथ, और ये देखें इसका थोड़ा मैंने मसाज भी कर दिया है ये इस तरह, और कितना ग्लोइंग और कितनी वाइटनिंग और कितना ज़बरदस्त जो है इसका लुक आ रहा है। तो जहाँ रहें खुश रहें, और वीडियो को जो है एंड तक देखें, लाइक ज़रूर कर दिया करें यार, लाइक की बड़ी कमी है, और वीडियो पसंद आ जाए तो कर दीजिएगा कॉमेंट। ये देखें जी, ये मैं इसे स्पून के साथ से हटा रही हूँ, और देखें कितना ज़बरदस्त लुक आ रहा है फेस, कितना आपका ग्लो करेगा, यकीन माने बड़ी ही मैजिकल बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडी है। तो इसे ज़रूर अप्लाई करें, पार्लर जाना छोड़ दें, घर पे ही अपने आप को खूबसूरत बनाएं। माशाल्लाह क्या ग्लो कर रहा है ये देखें, अभी मैंने इसे 1 मिनट ही रखा है और कितना ज़बरदस्त जो है इसका लुक नज़र आ रहा है। ये देखें, ये मेरे हैंड्स कितने ज़बरदस्त ब्यूटीफुल लग रहे हैं। तो इस रेमेडी को यूज़ करें, इसका फीडबैक दें, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं
कि ये रेमेडी, ये वीडियो आपको कैसी लगी। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट प्रेजेंटेशन, नेक्स्ट व्लॉग, नेक्स्ट रेसिपी और नेक्स्ट रेमेडी के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व तआला अला बरकतुल्लाह।